अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बेटे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स। अब हम देख सकते हैं कि मैंने इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज थे वो लिख दिए हैं लेफ्ट और राइट साइड पे, जो इन न्यूमेरिकल्स में और एग्जांपल्स में इस्तेमाल होंगे। सो अगर आप भी इस तरह से करना चाहें तो कर सकते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल और एग्जांपल सॉल्व करने बैठें तो पहले आप उनमें उस चैप्टर में आने वाले सारे फार्मूलाज लिख लें। ठीक है, चलें बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि किन किन एग्जांपल्स के साथ कौन कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व होता जाएगा। सो हमें दो दो तीन तीन दफ़ा बार बार देखना पड़ेगा कि एग्जाम्पल साथ न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल और साथ न्यूमेरिकल सॉल्व देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल 3.1 देखते हैं। स्टेटमेंट है जी, फाइंड द एक्सलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मैस ऑफ 8 kg। फाइंड द एक्सलरेशन, सो टू फाइंड हमसे पूछता है, क्या बताइए, फाइंड द एक्सलरेशन, हमें एक्सलरेशन फाइंड करना है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स। गिवन डाटा में हमें क्या कहता है, फोर्स कितनी दे रहा हूँ आपको, एक 20 न्यूटन की फोर्स है। उस फोर्स के लगने से जिसम में कितना एक्सलरेशन पैदा होता है वो मालूम करें। 20 न्यूटन फोर्स, गिवन डाटा 20 न्यूटन फोर्स दे दी गई, एक्सलरेशन पूछ लिया गया। इसके अलावा क्या देता है, कहता है जिस जिसम पे फोर्स लग रही है वो ब्लॉक, वो जिसम कितना कितने मैस का है, उसका मैस भी मैं आपको बता देता हूँ जी, उसका मैस भी खुद ही दे रहा है, मैस दैट इज इक्वल टू कितना जी, 8 kg। सो हमें फोर्स भी पता है, मैस भी पता है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। अब देखिए कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें तीन चीज़ें आती हों, फोर्स मैस एक्सेलरेशन। तो देखिए ज़रा लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको दिख रहा होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ एक ऐसा फार्मूला उसमें है जिसमें फोर्स है, मैस है, एक्सेलरेशन है। तो यूजिंग दिस फार्मूला हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं जो क्या कहता है, एफ इक्वल टू एम ए। हमारे पास F भी है, हमारे पास M भी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, A फाइंड करना है। तो बढ़िया सोल्यूशन की तरफ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। तो क्या है हमारे पास फार्मूला, रीअरेंज कीजिए इसे, रीअरेंज क्या करना है, क्या चाहिए इसमें से, A फाइंड करना है। तो क्या बन जाएगा, F ओवर M, इसे ऐसे लिख लीजिए F ओवर M। अब क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, इसका नाम क्या दे लें, इक्वेशन नंबर 1। तो बताइए क्या बन जाएगा, एफ़ की जगह क्या पुट करेंगे आप, 20, एम की जगह क्या पुट करेंगे, 8, कैंसिल आउट हो गए, जवाब क्या आ जाएगा, 2.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थी पहली एग्जांपल जिसमें उसने हमसे एक्सेलरेशन डिमांड किया था। आइए बढ़ते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। दूसरी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg, एक फोर्स है जो कितने मैस पे लग रही है, 5 kg पे, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ मैस, दिया गया बेटे मैस 1 दैट इज इक्वल टू 5 kg, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, कितना एक्सेलरेशन पैदा करती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स, फोर्स वही लगे, फोर्स यहाँ भी नहीं दी, नेक्स्ट भी नहीं दी, कहता है फोर्स उतनी ही लगे, लेकिन क्या करना है, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस, व्हाट एक्सेलरेशन, कौन कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर मैस को चेंज कर दिया जाए। पहले मैस कितना था, 5 kg था, अब नया मैस हमें कितना दे रहा है, न्यू मैस कितना दे रहा है बेटे, 8 kg। तो बेटे हम जानते हैं अगर किसी जिस्म का मैस कम से ज़्यादा कर दिया जाए और फोर्स उतनी ही रखी जाए कि एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा, थोड़ा पैदा होगा, कम पैदा होना है, क्योंकि मैस बढ़ाने से एक्सेलरेशन कम पैदा होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है उनका आपस में ताल्लुक। सो ये देखिए M1 दिया है, M2 दिया है, A1 दिया है और A2 डिमांड की है। सो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें फोर्स आती हो, मैस आता हो, एक्सेलरेशन आता हो, तो अकॉर्डिंग टू ये आपके सामने है न्यूटन्स सेकंड लॉ जो क्या बताता है कि F1 किसके बराबर है, M1 A1, इसी तरह F2 किसके बराबर होना है, M2 A2। क्या कहा था उसने स्टेटमेंट में, सेम फोर्स, पहले जितनी फोर्स थी बाद में भी उतनी ही फोर्स,
इसका मतलब ये फोर्स क्या है जी, सेम लगाई गई है, लेफ्ट और राइट साइड फोर्सेस के क्या हैं आपस में बराबर, तो राइट साइड भी राइट साइड के क्या हो जाएगी बराबर। इसका मतलब F1 किसके बराबर पुट कर देंगे, F2 के। F1 की कीमत कितनी है m1a1, F2 की कीमत कितनी है m2a2। अब मुझे बताएं इनमें से कितनी चीज़ें पता है, m1 पता, a1 पता है, m2 पता है, क्या मालूम करना है a2। तो a2 वही रहने दें, क्या बन जाएगा फार्मूला, m1a1 ओवर m2। सीधा कर लें इसे, m1a1 ओवर m2 बाय पुटिंग, क्या लिखेंगे अब, बाय पुटिंग वैल्यूज़ दर्ज करें, तो a2 किसके बराबर आ जाएगा, m1 की जगह क्या आएगा बेटे 5, a1 की जगह क्या आएगा 10, m2 की जगह क्या आएगा 8, तो क्या आएगा 50 ओवर 8 डिवाइड कीजिए 6.25 आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन उसमें पैदा होगा अगर फोर्स चेंज कर दें। पहले एक्सेलेरेशन देख लें 10 था, अब एक्सेलेरेशन कम हो गया है क्योंकि मैस पहले थोड़ा था, अब मैस क्या कर दिया गया है ज़्यादा। ये दूसरी एग्जांपल थी, आइए बढ़ते हैं तीसरी एग्जांपल की तरफ। तीसरी एग्जांपल में कहता है जी, अ साइक्लिस्ट ऑफ मैस, एक साइकिल सवार है, साइकिल चलाने वाला, उसका मैस कितना है जी, साइकिल चलाने वाले का मैस कितना दिया गया है 40 kg, 40 किलोग्राम उसका मैस है। एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ, और कितनी फोर्स लगाता है वो साइकिल पे, कितनी फोर्स लगा रहा है बेटे 200 N टू मूव हिज बाइसिकल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, और इस फोर्स के लगने पे साइकिल में कितना एक्सेलरेशन पैदा कर पाता है वो, सिर्फ 3 m/s². How much is the force of friction between the road and the tires? How much is the force? अब मुझे बताइए, साइकिल को चलाने के लिए सबसे पहले तो क्या लगानी पड़ेगी, फ्रिक्शन की फोर्स लगानी पड़ेगी ना, पहले तो उसे फ्रिक्शन की फोर्स, इसका मतलब ये जो 200 N वो फोर्स लगा रहा है इसमें क्या है, पहले फ्रिक्शन को फोर्स को कैंसिल करेगा, फिर उसमें क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। पहले तो रुकावटी फोर्स 200 N में से ज़ाया होगी और बाकी फोर्स क्या करेगी, एक्सेलरेशन में इस्तेमाल होगी। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमें क्या यहाँ पे मालूम करना है, ये फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास टोटल फोर्स है, 200 N इज़ अ टोटल फोर्स, टोटल क्या उसकी सारी फोर्स साइकिल चलाने में इस्तेमाल हो रही है, नहीं, उसका कुछ हिस्सा कहाँ ज़ाया हो रहा है, फ्रिक्शन में। अगर हम वो फ्रिक्शन की फोर्स कैलकुलेट कर लें, जो फ्रिक्शन की फोर्स क्या है जी, जो ज़ाया होगी, तो क्या होगा, हमें यही मकसद है ना, वट इज, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शनल फोर्स हमें चाहिए, टोटल फोर्स हमें पता है 200 N है, अब 200 में से एक्सेलरेशन में कितनी फोर्स लगी, कितनी फोर्स है जिसने एक्सेलरेशन पैदा किया वो मालूम करते हैं, 200 में से माइनस कर देंगे जवाब आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन वाली फोर्स हमें चाहिए, हमें F फाइंड आउट करना है, ये फ्रिक्शन वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है, और F निकालने के लिए सिंपल फार्मूला क्या दिया था न्यूटन ने, दैट इज़ क्या फार्मूला बेटे, F फिजिकल टू एम ए, जब ये आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या आएगा हमारे पास फार्मूला, जो भी जवाब आएगा इसका वो किसके बराबर आ जाएगा, F विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, टोटल में से ये माइनस कर दोगे एक्सेलरेशन वाली आ जाएगी, ये दो खुलिए यूज होंगे। तो बताइए बेटे, पहला फार्मूला यूज़ करते हैं, एफ फिजिकल टू एम ए, वैल्यूज़ पुट कर दो, एम कितना बेटे 40, ए कितना है 3, आंसर कितना आ गया 120 N। अब क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन टू, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ किसके बराबर, एफ नॉट की जगह कितना आएगा 200, तो हमें सॉरी एफ नॉट की जगह 200, ये एफ का जवाब कितना है 120, और एफ मालूम करना है। बताइए ये माइनस एफ इधर आ जाएगा तो ये उधर जा क्या करेगा, माइनस, ये यहाँ के प्लस तो ये वहाँ जाके माइनस, तो क्या बन गया 200 - 120, आंसर कितना आ गया 80। इसका मतलब 200 में से 80 N उसकी फोर्स क्या हो गई, ज़ाया हो गई, बाकी कितनी इस्तेमाल हुई 120 एक्सेलेरेशन पैदा करने में, और 80 कहाँ ज़ाया हुई, फ्रिक्शन। अब इसके साथ जो जो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम फार्मूले के साथ सॉल्व होगा, इस तरह से एक्सरसाइज का चौथा न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होगा, तो वो भी साथ साथ करते जाते हैं जो इन्हीं फार्मूलों से सॉल्व होंगे। पहला न्यूमेरिकल क्या है बेटे,
अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन पैदा करती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास, बताइए उस जिस्म का क्या, बताइए मास बताइए, क्या फार्मूला जिसमें तीन चीज़ें आती हूँ, एफ ए और एम आता हो, न्यूटन का दूसरा कानून, एफ फिजिकल टू एम में, तो क्या लिखेंगे, क्या क्या चाहिए इसमें से, क्या रह गया, एम चाहिए ना, तो बेटे एम किसके बराबर आ जाएगा, एफ ओवर ए, एफ ओवर ए, क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, एफ की जगह क्या पुट करेंगे, 20, ए की जगह क्या पुट करेंगे, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 kg, मैथ की जगह क्या आंसर आ जाएगा, 10 kg, ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इस तरह से चौथा देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 newton, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ, कितनी फोर्स बेटे, 100 newton इन अ मास ऑफ, कितना मास, 50 kg। तो तीन चीज़ें फिर से वही, कौन सा फार्मूला जिनमें ये तीन चीज़ें आती हो, न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, क्या चाहिए इनमें से, ए चाहिए, तो एफ ओवर एम, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, पुटिंग वैल्यूज पुट करें जी, एफ की जगह 100, एम की जगह 50, तो आंसर कितना आ गया, 2 meter per second square, दूसरा न्यूमेरिकल। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये थे वो न्यूमेरिकल्स जिनका ताल्लुक किस फार्मूले के साथ था, एफ इज इक्वल टू एम ए के साथ, न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ। चौथी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर फोर में कहता है, 2 masses, एक है जी 5.2 kg, दूसरा मास कितना है, 4.8 kg, आर अटैच टू द एंड ऑफ अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम, फ्रिक्शनलेस पुली से गुजर रहे हैं और कैसे हैं बेटे, हैं भी कैसे, किस तरह से अटैच किया है, एक्सेलरेशन स्ट्रिंग व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, दोनों कैसे हैं, वर्टिकली, तो क्या क्या मालूम करने को कहता है, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम, ए बताइए, और बेटे दूसरी चीज, फाइंड द टेंशन, दूसरी चीज। तो ये देखिए, ये दो फार्मूले हैं जो किसके लिए हैं, वर्टिकल मोशन के लिए, एक्सेलरेशन वर्टिकल मोशन के लिए, टेंशन, ये हमने टॉपिक पढ़ा था, वहाँ से ये रिजल्ट्स निकले थे, तो डायरेक्टली हम ये फार्मूले यूज़ करेंगे। ए के लिए क्या कुलिया है, m1 minus m2 m1 plus m2 into g, और टेंशन के लिए क्या फार्मूला है, 2 m1 m2 over m1 plus m2 into g। तो ए मालूम करना होगा तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, टी मालूम करना हो यहाँ, जी की वैल्यू सबको कन्फर्म है कितनी होती बेटे, 10 meter per second, के नाम भी दी हो तो हमें पता है, तो लिखेंगे इक्वेशन वन जो है वो क्या है जी, m1 minus m2 m1 plus m2 into g, लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज, तो पुट कीजिए वैल्यू, m1 की जगह क्या आ जाएगा, 5.2, m2 की जगह 4.8, m1 की जगह 5.2, m2 की जगह 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10, सारी कैंसिलेशन, सबके पास जवाब क्या आएगा जी यहाँ से, 0.4 meter per second square। दूसरा क्या मालूम करेंगे, टेंशन, टेंशन का क्या कुलिया है, 2 m1 m2 over m1 plus m2 into g, पुट कीजिए वैल्यूज, 2 वैसे क्या वैसा, m1 की जगह 5.2, m2 की जगह 4.8, 5.2, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10, ये सारा कैंसिल आउट होके जवाब क्या आएगा जी, 50 newton, ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे, ये दो रिजल्ट्स आ गए, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.4। अब इसके साथ है जी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का 3.6।